ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को इस चुनाव में उठाया वो मुद्दे काम नहीं आए, जिसमें 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के और दूसरे से तमाम पहलू थे, मगर क्या जनता के नब्ज को पहचानने में भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई? मगर क्या कुछ रहा इस चुनाव को लेकर के शुरुआत से लेकर के अब तक जो महत्वपूर्ण बातें थी, आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। इस जानकारी के जरिए आप समझिए कि किस तौर पर यहाँ पर ये देखिए, नक्शा देखिए, 2018-2019 दोनों अगर नक्शे की बात करें तो एक तरफ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो केसरिया रंग है 2018 में किस तरीके से दो तिहाई यानी कि भारत के नक्शे पर छाया हुआ दिख रहा, मगर वो रंग कैसे उड़ता चला गया 2019 आते आते। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की अगर बात छोड़ दें तो फिर तीन ऐसे बड़े राज्य हैं जो कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास में, यानी कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और अब कर्नाटका। इन तीनों राज्यों को छोड़ करके बड़ा राज्य कोई भी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। जो आप बिल्कुल पूर्व उत्तर के राज्यों को आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी का झंडा दिख रहा है, वो छोटे छोटे राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। मगर ये एक स्थिति जो बनती हुई दिख रही है, एक एनडीए की स्थिति जिसे आप केसरिया रंग में देख रहे हैं, दूसरे नॉन एनडीए है जो कि आप हरे रंग में देख रहे हैं, यानी कि राज्यों के स्तर पर बीजेपी लगातार सिकुड़ती हुई जा रही है। यहां तक कि अब 2017 में करीब करीब 71% भारतीय जनता पार्टी ने इस नक्शे पर कब्जा जमाया था, मगर 2019 आते आते या 2019 खत्म होते होते मौजूदा वक्त में करीब 35% पर आकर के बीजेपी सिकुड़ चुकी है। अब इसकी अलग अलग वजहें राजनीतिक जानकार मान रहे हैं, मगर इसकी एक बड़ी वजह ये कि जो तीन राज्य हैं अगर देखा जाए जहां पर तीन मुख्यमंत्रियों को बीजेपी या केंद्र की तरफ से जो पॉकेट से निकाल करके भेजा जाता है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान की भी वजह रहे। महाराष्ट्र के अंदर कुर्सी गवाई जिस तरीके से गैर मराठी शख्स को मुख्यमंत्री बनाया गया, हरियाणा के अंदर बीजेपी कमजोर हुई जो कि वहां पर जिस तरीके से एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसे शायद जनता ने उस अंदाज में लिया नहीं, और यही वजह कि गैर आदिवासी शख्स को झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री बनाया जाना, क्या यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है? या फिर यह देखा जाए कि बीजेपी ने अपनी कामयाबी के नशे में उन तमाम चीजों को लेकर के जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जनता जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी राज्य के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर जनता ने साथ दिया, मगर राज्य के स्तर पर पूरे तौर पर फेलियर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 65 का नारा था और आते आते 25-26 पर बीजेपी सिकुड़ते हुए नजर आ रही है।